तो कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में क्या क्या आता है? पहला आता है फॉसिल फ्यूल। हजारों साल पहले जो फ्लोरा एंड फौना था, जानवर थे और पेड़ पौधे पत्ते जो जिनका जिनका अंत हो गया और वो जमीन के नीचे दब गए, तो जमीन में जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, उसके कारण से वो उस टेम्परेचर एक प्रॉपर मिला उनको, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब एनवायरमेंट मिला। तो वो हजारों सालों में, बहुत साल, हजारों की तादाद कह रहा हूं मैं, लाखों साल भी है इसमें, तो उतने में ये बदले धीरे धीरे, जो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है ये फॉसिल्स में, जो फॉसिल्स है ये फ्यूल में तब्दील हुए। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में है, ये ज्यादा नहीं है, ये इसको ये कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि एक बार आपने इसका उपयोग कर लिया, उसके बाद दोबारा इसको इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, यानी कि इनमें जो गैसेस निकलती है वो हानिकारक होती है। आप एसिड रेन जानते हैं, ये सारी जो गैसेस वगैरह निकलती है, पोल्यूशन हो, चाहे आप कहीं आग लगाएं, इन सब चीज़ों से जो हमारी एटमॉस्फेयर है इसमें ये सब चीज़ें फैल जाती हैं, फिर पानी गिरता है तो ये प्लांट पे, एनिमल पे, हाउसेस पे, घरों पे ये सब पानी आता है, तो ये सब हमारी जो गैसेस हैं वो नीचे आ जाती हैं और ये बैड इफेक्ट करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो ये पोल्यूशन का भी एक मेन जो पॉल्यूटेंट है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि जो पूरे अर्थ का हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। इससे क्या होगा, ग्लेशियर वगैरह जो हैं वो पिघलेंगे और हमारा सी लेवल बढ़ेगा, तो जो लो लाइंग एरियाज हैं जो सी के पास हैं वो डूबने का खतरा है, डूब भी रहे हैं। अब इसको हम कंट्रोल तो कर सकते हैं, यानी कि या तो हम जो कंबशन प्रोसेस है या जलाने का जो प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी बढ़ा दें, ईटा जिसे कहते हैं उसको बढ़ा दें, और उसके बाद हम और भी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिससे जो गैसेस निकल रही है उसको निकलने से पहले हम ट्रीट कर लें। लेकिन ये सब चीज़ें हो रही हैं, मुश्किल हैं, बट अगर हमको यूज करना है तो इस एहतियात से इसे यूज करना पड़ेगा। ऐसी थर्मल पावर प्लांट्स और हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि इसमें यूज करते हैं हीट का, हीट का यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। अब वही बात आ गई कि हीट कहाँ से प्रोड्यूस होती है। अब जो फ्यूल्स हैं हम उसको जलाते हैं तो स्टीम प्रोड्यूस होती है, स्टीम जो होती है वो टर्बाइन्स को घुमाती है, और जो टर्बाइन है फिर वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है थर्मल पावर प्लांट्स। हाइड्रो पावर पावर प्लांट में क्या होता है, ये भी आपका जो पानी का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे कैसे होता है, मान लीजिए आपका ये डैम है, यहाँ पानी है, तो डैम से इसको रोक लिया और ऊपर से इस पानी को छोड़ा, तो यहाँ पर क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गई, जब ये नीचे आती है तो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, और टर्बाइन्स यहाँ लगे होते हैं वो घूमते हैं, इस बहुत तेज जो पानी आ रहा था उससे घूमते हैं। अब ये घूमते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आप पैदा कर सकते हैं। और डैम से एसोसिएटेड है डैम, यानी कि बांध, ये पोल्यूशन कुछ भी क्रिएट नहीं करते हैं, और इससे और भी फायदे हैं, जैसे आप पानी जो फ्लड आता है, यानी कि जो बाढ़ आती है उसको रोक सकते हैं, नहरें बना सकते हैं, तो इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए पानी भेजा जा सकता है। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट हर जगह नहीं लग सकता, वो वहीं लगा सकते हैं जहाँ पर इस तरीके की कोई संभावना हो। दूसरा, आपको बहुत बड़ा एरिया चाहिए इसको बनाने के लिए। तीसरा, कि जब ये बनाएंगे तो ह्यूमन आसपास का जो भी ह्यूमन सेटलमेंट है वो अफेक्ट करेगा। जैसे जब टिहरी बांध बनाया गया तो जो आसपास के एरिया थे सब में पानी आया, तो बड़ी उस समय वो हुई, दिक्कतें हुई। और केवल इंसानों को नहीं, जो आप देखिए हर चीज में इंसान नहीं होते हैं, इंसान के साथ जानवर भी रहते हैं, इंसान के साथ पेड़ पक्षी भी हैं और पौधे हैं, तो वो इकोसिस्टम कहते हैं उसको, वो इकोसिस्टम भी खराब होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। बायोमास, जब एक पौधा, प्लांट और जानवर, इसमें हम लोग भी शामिल कर लीजिए, तो जब हमारा देहांत होता है या फिर हमारी हमारी लाइफ पूरी हो जाती है, तो जो जो ये हमारे रिमेनेंट बचते हैं उसको बायोमास कहते हैं। वुड, वुड बायोमास क्रिएट करता है और इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन बस इसमें दिक्कत यह है कि लकड़ी को जलाते हैं। आप जला के देखिएगा इसको, हल्की सी लकड़ी जलाइए, बड़ा धुआं प्रोड्यूस करती है ये, और उतनी उतनी इसमें हीट नहीं निकलती है, लकड़ी से इतनी हीट नहीं निकलती है। लेकिन अगर इसको चारकोल या कोक बना लिया जाए, तो क्योंकि ये बनता कैसे है, जब हम बहुत लिमिटेड सप्लाई
ऑक्सीजन की जब इसमें देते हैं वुड को जलाने के लिए, तो ये चारकोल और कोक बनाता है। चारकोल ज़्यादा बेटर फ्यूल है वुड से, क्योंकि एक तो इसमें स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है, दूसरा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो एनर्जी देता है वो उससे वुड से बहुत ज़्यादा है। काउडंग, काउडंग मतलब होता है जैसे काऊ है, गाय है, उसने गोबर किया, ऐसे और भी जानवर है जो गोबर करते हैं, तो उसको भी कई मतलब गांव की बहुत जगह इसको जलाया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह जलते तो है नहीं, क्योंकि गांव के जब जब लोग जलाते हैं क्योंकि उनके पास यही अवेलेबिलिटी है। और जो डंग आता है काऊ का, वो जो उसने खाया है घास फूस पत्ती खाई है उसी से तो निकलता है, वही जल रही है। तो वही बात आ गई वुड की कि लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसके बाद रिमेन भी बचता है, यानी कि ऐश बचता है, इसमें राख बचती है। बायोगैस, बायोगैस एक ऐसी गैस है, जैसे मेनली तो ये मीथेन ही होती है, एक ऐसी गैस है जो तब पैदा होती है जब इसमें जो भी वेस्ट निकल रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन वेस्ट हो, चाहे वो गाय या किसी जानवर के वेस्ट हो, चाहे वो जो क्रॉप आपने यूज़ कर ली उसके बाद जो रिमेनेंट बचता है, उस उन सबको आप एक टैंक में डाल दीजिए, लार्ज टैंक या डाइजेस्टर में, और उसके बाद बैक्टीरियल इस पर एक्शन होता है और ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ये कन्वर्ट होता है गैस में। अब ये बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, लेकिन इससे जो गैस निकलती है वो उसकी अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसका उपयोग किया जा सकता है। विंड एनर्जी, क्योंकि सन, अब देखिए पानी को कितना वो गर्म करेगा और लैंड को कितना गर्म करेगा, है ना, आप समझ सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा गर्म होगा, इसलिए एक जगह गर्म रहती है एक जगह ठंडी रहती है, तो उसके कारण एयर का मूवमेंट होता है, हवा का मूवमेंट होता है ग्लोब पे, तो इसी के कारण जब मूवमेंट होता है तो हवा चलती है। अब ये जो हवा चलती है इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है, ये बड़ा इको फ्रेंडली मेथड है और ये बड़ा आगे के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, सोर्स है, एफिशिएंट सोर्स है। कई ऐसे देश है जो पूरी तरीके से इसी पे आ गए हैं जहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ चलती है, लेकिन इसमें यह है कि आपको एक तो सेटअप करना पड़ेगा विंड मिल, इस तरीके से इसके पंखे होते हैं, हवा के कारण ये इस तरीके से रोटेट होते हैं, घूमते हैं, और बहुत सारे लगाने पड़ते हैं, एक आध से काम नहीं चलता है, और जब ये घूमते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर एक मेन की एरिया होता है जहाँ से सारी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, फिर ये आगे आप ले जा सकते हैं इसको। एक हवा बहुत तेज़ चाहिए इसके लिए, कम हवा से तो ये घूमेगा नहीं, दूसरा ये है कि बहुत सारे चाहिए, ये सब इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं।